प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना, राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाना और मानवाधिकारों के पालन के प्रति सजग रहना है। मानवाधिकार दिवस पहली बार 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया था। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मानवाधिकारों पर पहला वैश्विक दस्तावेज है। इसमें सभी मनुष्यों के मौलिक अधिकारों को रेखांकित किया गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि मानवाधिकार दिवस को आधिकारिक तौर पर 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मान्यता दी गई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। वह 2 जून 2021 से इस पद पर कार्यरत है। NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। उनका कार्यकाल 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक था। रंगनाथ मिश्रा भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश भी थे। उन्होंने 25 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक इस पद पर कार्य किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल 9 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 5 कार्यकालीन सदस्य और 4 राष्ट्रीय सदस्य। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।